नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से प्रैक्टिकल टेक्नीशियन चैनल में। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं पंप डाउन की प्रोसेस के बारे में, किस तरीके से पंप डाउन की प्रोसेस किसी चिलर के अंदर कंप्लीट होती है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। और उसी के साथ आप में से किसी एक व्यूअर ने मेरे से ये सवाल पूछा था कि जो रेफ्रिजरेंट की रिकवरी है किसी चिलर के अंदर और जो पंप डाउन की प्रोसेस है, क्या ये दोनों सेम होती है? तो इसका जवाब है नहीं। अब वो कैसे है, क्या है, अभी आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ। उसी के साथ मैं आगे चल के आपको चिलर पे भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से चिलर पे जो पंप डाउन की प्रोसेस है और उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, वो सारे अभी आगे चल के हम चिलर पे देखने वाले हैं। फिलहाल अभी एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं सारी चीजों के बारे में, जिससे कि आपको बाद में चल के कोई परेशानी ना हो। तो पंप डाउन की प्रोसेस दो तरीके से हो सकती है, एक तो आपका टेक्नीशियन यूज में लेता है जो, और दूसरा जो आप डेली बेसिस पे लेते हैं। आप डेली बेसिस पे कैसे, अगर आप किसी चिलर को ऑपरेट कर रहे हैं उस पर पंप डाउन की प्रोसेस डेली रूटीन में भी होती है जब आप उसको ऑन या ऑफ करते हैं। तो मान लीजिए आपका जो चिलर है वो चल रहा है और आप उस चिलर को कुछ टाइम पीरियड के बाद बंद करते हैं, या आपका जो चिलर है उसका जो सेट पॉइंट टेम्परेचर है वो आ चुका है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपका जो चिलर है वो बंद होने को जाएगा। बट ऐसी कंडीशन में अगर आपका जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो वापस से बैक होके आपका कंप्रेसर में आके रुक जाता है, जब आप चिलर को ऑफ कर देते हैं आपका जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो वापस से कहाँ, कंप्रेसर में आ जाता है और ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है, तो वो क्या करता है, उसके साथ बबल बनाना स्टार्ट कर देता है, फॉर्म या झाग बनाना स्टार्ट करता है। और जब आप बाद में किसी चिलर को स्टार्ट करते हैं तो वो परेशानी करता है कंप्रेसर को उस रेफ्रिजरेंट को पंप करने में, क्योंकि उसके साथ ऑयल मिक्स हो चुका है और वो झाग बना चुका है और वो बहुत कम मात्रा में हीट को ट्रांसफर कर पाता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए आपकी पंप डाउन की जो प्रोसेस है उसको यूज में लिया जाता है। अब इसमें क्या होता है, एक ऑटोमेटिक तरीका होता है। ऑटोमेटिक तरीके में सेनेलॉइड वॉल्स का यूज किया जाता है एक गेट की तरह। अभी ऊपर चल के मैं दिखाऊंगा कि कैसे सेनेलॉइड वॉल्स लगाए जाते हैं और किस तरीके से गेट बनाया जाता है। तो क्या होता है, जो लिक्विड लाइन होती है, आपको पता है कंडेंसर के बाद आपकी लिक्विड लाइन आती है। कंडेंसर क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है और वो लिक्विड फॉर्म लिक्विड लाइन में जाती है और लिक्विड लाइन से कहाँ पहुंचती है, आपकी इवेपोरेटर की तरफ या एक्सपेंशन वाल से होते हुए आपकी इवेपोरेटर की तरफ। तो जब आप ऑफ करेंगे तो ये जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट वापस ना आए, इसलिए लिक्विड लाइन है वहां पर एक सेनेलॉइड वॉल लगा दिया जाता है। और उसी के साथ साथ आपका जो कंप्रेसर है वहां पर भी आपको सेनेलॉइड वॉल्स देखने को मिलते हैं, जिससे कि क्या होता है, आपका जो इवेपोरेटर है, सक्शन लाइन है और जो कंप्रेसर है वो तीनों कट जाते हैं। किससे, आपकी रेफ्रिजरेंट साइकिल से, जब आप ऑफ कर देते हैं तब की बात कर रहा हूं मैं। या आपका जो सेट पॉइंट टेम्परेचर है, आपका जो पानी का सेट पॉइंट टेम्परेचर है वो जब आ जाता है तो ये तीनों पार्ट कट जाते हैं। और जो वाटर कूल चिलर्स होते हैं उसमें भी कंडेंसर आपको देखने को मिलता है, और उसी के साथ साथ अलग से अगर एडवांस है तो उसमें रिसीवर भी आपको देखने को मिलता है। रिसीवर में आपका गैस स्टोर होके रहती है जब आप किसी चिलर को बंद कर देते हैं। तो इसी तरीके से जो एयर कूल चिलर्स होता है उसमें जो कंडेंसर कॉइल होती है उसमें गैस स्टोर हो जाती है जब आपका आप पंप डाउन कर देते हैं किसी चिलर को। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंसर में स्टोर रहता है या वाटर कूल में आपका रिसीवर या कंडेंसर दोनों में स्टोर रहता है और वो वापस से कंप्रेसर की तरफ नहीं जाता, जिससे क्या होता है वो मिक्स नहीं हो पाता ऑयल के साथ और इससे क्या होता है लिक्विड स्लज नहीं होती है। तो इस तरीके से पंप डाउन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है किसी चिलर के अंदर। आगे चल के अभी मैं प्रैक्टिकल तौर पर भी दिखाऊंगा किस तरीके से ये सारी चीजें वर्क कर रही होती हैं। और उसी के साथ एक मैनुअल तरीका भी होता है जो कि आप ऊपर अभी चिलर पे देखने वाले हैं, क्योंकि एयर कूल चिलर ये जो मैं आपको दिखाऊंगा ये बहुत पुराना है और इसमें मैनुअली तौर पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से पंप डाउन किया जाता है। और खासकर ये तब किया जाता है जब किसी एक पार्ट पे आपको काम करना हो। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो चिलर है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। मान लीजिए आपके मेन चार पार्ट है, कंडेंसर है और आपका कंप्रेसर, इवेपोरेटर है और सक्शन लाइन मान लीजिए। तो इसमें क्या होगा, आपका जो कंप्रेसर है, इवेपोरेटर और सक्शन लाइन है उसको क्या कर देंगे, कट ऑफ कर देंगे बिल्कुल ही, किससे, रेफ्रिजरेंट साइकिल से। और जो कंडेंसर है उसमें आपकी रेफ्रिजरेंट स्टोर हो जाती है और इसको हम वाल्स के थ्रू कर सकते हैं। लिक्विड लाइन का जो वाल होता है उसको हम बंद कर देते हैं और कंप्रेसर को थोड़ी देर तक चला के रखते हैं। कंप्रेसर के थोड़ी देर तक चले रहने से क्या होता है, जो सक्शन लाइन की साइड की या इवेपोरेटर के अंदर की जितनी भी रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंसर में आ जाती है और आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि आपने लिक्विड लाइन का वाल बंद कर दिया है तो वो रेफ्रिजरेंट आगे नहीं जा पाती है और कंडेंसर में स्टोर होकर रह जाती है। और कुछ टाइम के बाद आपका अगर एलपी ट्रिप या उसमें आपको कट इन या कट आउट देखने को मिलता है एलपी का,
तो अपने आप ही कंप्रेसर बंद हो जाता है, या आप उसको शॉर्ट करके कंप्रेसर को थोड़ी और देर तक चला के सारी रेफ्रिजरेंट को कंडेंसर में स्टोर करके जो कंप्रेसर की तरफ डिस्चार्ज वाला वाल्व होता है उसको बंद कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है आपका जो कंप्रेसर इवेपोरेटर और सक्शन लाइन है वो क्या हो जाता है रेफ्रिजरेंट साइकिल से डिस्कनेक्ट हो जाती है, उसके बाद आप कंप्रेसर पे काम कर सकते हैं, आपके इवेपोरेटर और क्या कहते हैं सक्शन लाइन पे काम कर सकते हैं। बट जब आपकी कंडेंसर में लीकेज आती है तो आपको पूरी तरीके से जो रेफ्रिजरेंट है उसको बाहर निकालना पड़ता है, और इसको हम कहते हैं रेफ्रिजरेंट की रिकवरी करना। पंप डाउन में आप रेफ्रिजरेंट को चिलर के अंदर रखते हुए काम कर सकते हैं अगर आपको कंप्रेसर में इवेपोरेटर में काम करना है, बट अगर कंडेंसर में लीकेज आएंगे तो क्या करेंगे आप, तब आपको पूरी तरीके से रेफ्रिजरेंट को बाहर निकालना पड़ता है, और इसको हम कहते हैं रेफ्रिजरेंट की रिकवरी करना। तो रेफ्रिजरेंट की जो रिकवरी है वो पूरी तरीके से रेफ्रिजरेंट को बाहर निकालने वाली प्रोसेस है, और जो पंप डाउन की प्रोसेस है उसमें क्या होता है रेफ्रिजरेंट अंदर रहते हुए आप कुछ पार्ट्स में चिलर के काम कर सकते हैं। तो ये दो डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं पंप डाउन और रेफ्रिजरेंट रिकवरी में। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं चिलर की तरफ, वहां पर आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से प्रैक्टिकल तौर पे जो प्रोसेस होता है पंप डाउन का वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आ चुके हैं एक चिलर के पास जो कि है एयर कूल चिलर। तो इस चिलर की मदद से मैं आपको बताऊंगा पंप डाउन की प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट होती है एक चिलर के अंदर, कौन कौन से पार्ट्स इसके अंदर इंक्लूड रहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पंप डाउन की जो प्रोसेस है वो दो तरीके की हो सकती है। तो पहली जो पंप डाउन की प्रोसेस है उसमें क्या देखा जाता है कि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो वापस से आपके कंप्रेसर में ना आए जब आप चिलर को बंद कर दें। इसका ध्यान रखा जाता है कि आपका जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वापस से कंप्रेसर पे ना पहुंच जाए, जिससे कि वो ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है। अगर वो ऑयल के साथ मिक्स हो जाएगा तो उससे क्या होगा, वो झाग बनाता है। झाग बनाने की वजह से वो कंप्रेसर के सम्प में ही रह जाता है और ज़्यादा पंप नहीं हो पाता और हीट ट्रांसफ़र नहीं कर पाता। तो इस परेशानी से बचने के लिए पंप डाउन की प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, और इसी के साथ इसका एक इस्तेमाल दूसरी तरीके से भी हो सकता है, वो आपका मैनुअल तरीका है, वो अभी आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ। उसमें क्या होता है, जो चिलर है आपका सामने आप देख पा रहे हैं, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट वो जिस पे हमें काम करना है और एक पार्ट वो जिसमें हम रेफ्रिजरेंट को स्टोर करके रख सकते हैं। तो जो एक व्यूअर थे जिसने मुझसे ये सवाल पूछा था कि जो रेफ्रिजरेंट की रिकवरी है और जो पंप डाउन की प्रोसेस है वो दोनों सेम होती है, तो आप यहाँ से आप ये समझ लीजिए कि जो रेफ्रिजरेंट की रिकवरी है उसमें हम पूरी तरीके से रेफ्रिजरेंट को बाहर निकाल देते हैं किसी भी चिलर के अंदर से, जबकि पंप डाउन में क्या होता है, पंप डाउन में हम इसी चिलर की मदद से या जो रेफ्रिजरेंट है उसको इसी चिलर में रहते हुए किसी भी पार्ट में चिलर के अदर पार्ट में काम कर सकते हैं। अब ये कैसा होता है, तो जैसे कि आपने देखा होगा रिकवरी में क्या होता है, आप एक रिकवरी यूनिट के थ्रू पूरी जो रेफ्रिजरेंट है उसको वापस से सिलेंडर में या जो आपका केन होती है उसमें वापस से रेफ्रिजरेंट को रिकवर करके सिस्टम से बाहर निकाल लेते हैं, और उसके बाद आप किसी भी सिस्टम के अंदर काम करते हैं। और वापस से जब आप इस चिलर को चालू करना होता है तो आप उसमें लीक टेस्ट करते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं और उसके बाद वैक्यूम करते हैं, और फिर उसके बाद आप इसमें रेफ्रिजरेंट डालते हैं। बट अगर मैं ये कहूँ कि पंप डाउन की जो प्रोसेस है इन सारी चीज़ों से थोड़ा बहुत निजात दे देती है, कैसे, जैसे कि अगर मान लीजिए आपका जो कंप्रेसर वाला पार्ट है या जो सक्शन लाइन वाला पार्ट है, जैसे कि आप ये सामने देख पा रहे हैं ये सक्शन लाइन वाला जो पार्ट है या इवेपोरेटर वाला जो पार्ट है, इनमें अगर आपको काम करना होता है, ये आप सामने देख पा रहे हैं ये जितने भी पार्ट हैं कंप्रेसर के या ये सक्शन लाइन या इवेपोरेटर या सर्विस वाल्व जो आपको देखने को मिलते हैं, अगर आपको इनमें काम करना होता है तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, वो है पंप डाउन, और वो मैनुअल तरीके से होता है, जिसमें क्या किया जाता है, पहले आप ये समझ लीजिए जो कंडेंसर है इसमें आपकी गैस को स्टोर करके रखा जा सकता है पंप डाउन में, यानी कि ये एक पार्ट है और दूसरा पार्ट आपका डिवाइड कर दिया गया है कि इसमें कंप्रेसर इवेपोरेटर और सेक्शन लाइन में, एक पार्ट आपका पंप डाउन में एक पार्ट आपका कंडेंसर हो जाएगा, दूसरा पार्ट हो जाएंगे आपके कंप्रेसर इवेपोरेटर और सेक्शन लाइन, ठीक है। तो इन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा आपका चिलर। कंडेंसर साइड में आपकी रेफ्रिजरेंट को स्टोर करके रख दिया जाएगा, और अगर आपका कंप्रेसर खराब है इवेपोरेटर खराब है तो वहाँ पर आपको रिपेयर करना है या वहाँ पर आपको किसी चीज़ को रिप्लेस करना है तो आप कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है, तो जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये आपका एयर कूल चिलर है, आपको यहाँ पर कॉइल टाइप का कंडेंसर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक कॉमन लाइन है, ये आप सामने देख पा रहे होंगे ये कॉमन लाइन है कॉपर ट्यूब, जिससे कि क्या होगा रेफ्रिजरेंट लिक्विड में चेंज होकर आती है। आपको पता है कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंसर में आपका जो वेपर फॉर्म है रेफ्रिजरेंट का वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और लिक्विड में चेंज होकर इस कॉमन लाइन के थ्रू होता हुआ पहुंचता है कहाँ, लिक्विड लाइन में। ये लिक्विड लाइन है जहां पर आपका ड्रायर लगा हुआ है, यहां पर आपका ये साइड ग्लास लगा हुआ है, तो यहां पर लिक्विड लाइन में पहुंचता है।
अब यही लिक्विड लाइन से जो आप चिलर को बंद करेंगे तो यही जो रेफ्रिजरेंट है वो वापस से कहाँ चले जाएगा, कंप्रेसर की तरफ। तो इसी को रोकने के लिए पंप डाउन के प्रोसेस का यूज़ किया जाता है पहले तरीके में। दूसरे तरीके में जैसे कि मैं आप बता रहा हूँ कि मैनुअल किस तरीके से किया जाता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक वाल लगा है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं ये वाल है और एक इस साइड पे भी वाल आपको देखने को मिलता है, ये सर्विस वाल है। तो यहाँ पर से आप इसको बंद करके, इस पार्ट को बंद करके या वहाँ पर से आप उस पार्ट को बंद करके क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट की साइकिल है उसको तोड़ सकते हैं बीच में से। तोड़ने का मतलब है यहाँ से आपका जो रेफ्रिजरेंट है आगे वापस नहीं जाएगा, कहाँ को, जो आपका वो TX वाल लगा हुआ है उसकी तरफ, यानी कि आपके इवेपोरेटर की तरफ जो रेफ्रिजरेंट का कॉन्टैक्ट है वो टूट जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर से साइकिल को बंद कर दिया, यहाँ पर आके रेफ्रिजरेंट रुक जाएगा, ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ेगा नहीं। अब बात करते हैं कंप्रेसर की तरफ से। तो पंप डाउन की प्रोसेस में क्या होता है, आपका जो कंप्रेसर है उसको चलाए रखना होता है और इस साइड का जो पार्ट है, जैसे कि मैंने आपने आप वाल दिखाया मैंने आपको ये ड्रायर की तरफ, फिल्टर ड्रायर की तरफ, यहाँ पर का ये वाल बंद कर देते हैं, कंप्रेसर को चलने देते हैं और कंप्रेसर को तब तक चलने देते हैं जब तक कि जो आपका दूसरी साइड की जो गैस है या रेफ्रिजरेंट है वो पूरी तरीके से कंडेंसर की तरफ ना चली जाए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कंप्रेसर, तो यहाँ से आपका जो ये रेफ्रिजरेंट है पूरी तरीके से आगे जाएगा और वो कॉमन लाइन आप देख पा रहे हैं ऊपर कंडेंसर की तरफ चले जाएगा, फिर इसमें जो LP होता है या वो ट्रिप कर जाता है और जो रेफ्रिजरेंट है वो पूरी तरीके से माइग्रेट कर जाती है कंडेंसर की तरफ और पूरी तरीके से कंडेंसर में स्टोर हो जाती है। उसके बाद इसमें भी सेनोलॉइड वॉल्स होते हैं, अगर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में आपने देखा होगा इसमें भी सेनोलॉइड वॉल्स हैं जो कि आपके यूनिट को ऑन ऑफ करने पे खुलते और बंद होते हैं। तो ये मैनुअल तरीके का है, इसमें ऑटोमेटिक आपको नहीं देखने को मिलता है, बट यहाँ पर आपको सर्विस वाल देखने को मिलते हैं, एक ये है ये डिस्चार्ज का है और ये सक्शन का है। तो जब पूरी तरीके से आपकी रेफ्रिजरेंट माइग्रेट हो जाती है तो अब आप इन वाल्स को बंद कर सकते हैं। आपने पहले लिक्विड लाइन का वाल बंद किया, कंप्रेसर को चलने दिया, कंप्रेसर जब चलता रहता है तो क्या होगा, रेफ्रिजरेंट को पंप करता रहेगा कंडेंसर की तरफ, जब लगभग पूरी गैस कंडेंसर में पहुंच जाएगी आप इस वाल को बंद कर देंगे, शट ऑफ कर देंगे। तो इस तरीके से आपको जो सर्किट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से ऊपर की तरफ आपकी रेफ्रिजरेंट रहेगी, यहाँ से ऊपर की तरफ, इधर को नहीं रहेगी क्योंकि ये कंप्रेसर आपने यहाँ से वाल बंद कर दिया, तो ऊपर की तरफ क्या है कंडेंसर है, उस तरफ आपकी गैस रहेगी और वो कहाँ तक रहेगी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ का जो वाल है यहाँ तक आपकी रेफ्रिजरेंट रहेगी या वो आगे वाले वाल तक रहेगी, बीच के जो पार्ट्स हैं जैसे कि इवेपोरेटर, सक्शन लाइन और कंप्रेसर, इससे रेफ्रिजरेंट का कॉन्टैक्ट टूट जाएगा और उससे क्या होगा आप इसको पंप डाउन कर देंगे या पंप डाउन की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको इस सर्विस वाल पे काम करना है आप इस पे करिए, सक्शन लाइन पे काम करना है उस पे करिए, आपको इवेपोरेटर पे कहीं लीक टेस्ट करना है वहाँ पर करिए, या कंप्रेसर पे काम करना है आप वहाँ पर कर सकते हैं आसानी से, और रेफ्रिजरेंट को बिना बाहर निकाले आप ये सारा काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैनुअल जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया, आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। दो तरफ से आपको वाल को बंद कर देना है और वो कब करना है, जब आपका कंप्रेसर पूरी तरीके से कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट को स्टोर कर देगा, उसके बाद आप कंप्रेसर अपने आप ही सेट अप हो सकता है अगर LP लगी होगी, एक जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है, सॉरी जो एक सेट प्रेशर होता है वहाँ पर LP अपने आप ट्रिप कर देगा कंप्रेसर को और आपका कंप्रेसर बंद हो जाएगा, या आप उसको शॉर्ट करके पूरी तरीके से जो रेफ्रिजरेंट है उसको कंडेंसर में स्टोर करके रख सकते हैं, और उसके बाद आपको डिस्चार्ज साइड का वाल्व बंद करना है। तो इस तरीके से मैन्युअली पंप डाउन किया जा सकता है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है, क्योंकि अगर आप कंडेंसर का यूज़ रेफ्रिजरेंट को स्टोरेज में कर रहे हैं तो उससे क्या होगा आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि आपको पूरी तरीके से रेफ्रिजरेंट को बाहर नहीं निकालना है, और अगर आपका कंप्रेसर में कोई खराबी है, इवेपोरेटर में कहीं लीक है तो आप आसानी से कर सकते हैं, बट जब यहाँ पर कहीं आपको लीक देखने को मिलती है उस कंडीशन में आपको रेफ्रिजरेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो गैस है वो नीचे की तरफ स्टोर नहीं हो सकती, कंप्रेसर या इवेपोरेटर के अंदर आपकी जो गैस है वो नहीं स्टोर हो सकती, इसलिए ऊपर अगर कहीं लीक देखने को मिलती है या ऊपर कोई दिक्कत देखने को मिलती है कंडेंसर में, तब आपको क्या करना होगा पूरी तरीके से गैस को बाहर निकालना पड़ेगा, और उस टाइम काम में आता है आपका रेफ्रिजरेंट रिकवरी। उस टाइम आप पूरी तरीके से जब रेफ्रिजरेंट को बाहर निकालते हैं तब आप करते हैं रेफ्रिजरेंट की रिकवरी। तो कुछ मिलता जुलता ही है, बट क्या होता है
पंप डाउन में आधा सिस्टम आप स्टोरेज के रूप में यूज कर लेते हैं, आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है, और अगर आपका स्टोरेज वाला ही जो पार्ट है वो खराब है तो आपको पूरी रेफ्रिजरेटर बाहर निकालनी पड़ती है। दूसरा पॉइंट जो पंप डाउन मैंने आपको बताया था ऑटोमेटिक, वो कि किस तरीके से होता है, उस टाइम उसमें आपका सेनेलॉइड जो वॉल्स होते हैं उनका यूज लिया जाता है। किस तरीके से, यहाँ पर एक सेनेलॉइड वॉल आप देखेंगे, ये हॉट गैस बाईपास का है, तो इस तरीके का एक सेनेलॉइड वॉल होता है जो कि आपका इसी लिक्विड लाइन में कहीं पर लगा होता है, जो कि क्या करता है, गेट की तरह काम करता है। एक यहाँ पर लगा होगा, एक आगे कहीं कंप्रेसर के बाद आपको देखने को मिलेगा उस साइड पे, जिससे कि ये बीच में क्या करेगा, बैरियर का काम करेगा और रेफ्रिजरेंट को स्टोर करके रखेगा कंडेंसर में, रिसीवर में। ये एयर कूल्ड है, वाटर कूल्ड में आपको रिसीवर भी देखने को मिलते हैं जिसके अंदर आप गैस को रिस्टोर करके रख सकते हैं। तो वो एक ऑटोमेटिक और इलेक्ट्रिक वायर सिस्टम होता है जो कि एलपी से या थर्मोस्टेट से कनेक्ट रहता है। और कभी कभी आपने ये भी देखा होगा, जो आप सिस्टम को बंद करते हैं तो कुछ देर के लिए आपका कंप्रेसर चलता रहता है। वो इसलिए चलता रहता है क्योंकि जो बची कुची आपकी जो सक्शन लाइन में या इवेपोरेटर के अंदर जो कंप्रेसर के अंदर रेफ्रिजरेंट है वो कहाँ रिसीवर और कंडेंसर के अंदर स्टोर हो रही होती है। और ये होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया, अगर ये ऑयल के साथ मिक्स होता है रेफ्रिजरेंट, उसके साथ वो बबल बनाता है और उसमें फिर परेशानी देखने को मिलती है जब अगले दिन आप किसी चिलर को ऑन करते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो पंप डाउन की, या ये कह लीजिए जो आपका जो ऑटोमेटिक और मैनुअल पंप डाउन है, वो इस तरीके से प्रोसेस कंप्लीट होती है आपके किसी भी चिलर में। ये एयर कूल्ड है, वाटर कूल्ड चिलर्स में आपको ऑटोमेटिक सिस्टम देखने को मिल सकता है। ये काफ़ी पुराना सिस्टम है इसलिए आपको इसमें ऑटोमेटिक नहीं देखने को मिलता है, फिर भी इसमें पंप डाउन का सिस्टम है और जो कंप्रेसर उसमें भी सोलेनोइड वाल्व्स आपको देखने को मिल जाते हैं।